जय हिंद प्यारे साथियों, अग्रवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। सबसे ज्यादा बंदों का कमेंट था, सर जी हमारा फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमारा क्या होगा। मैंने कहा था दोस्त टेंशन मत लो, वेटिंग लिस्ट भी दूसरी लिस्ट भी आएगी, लेकिन वो दूसरी लिस्ट आपको साइट पे नहीं मिलेगी, आपको यारो जाना पड़ेगा, यारो जाके पता करना पड़ेगा। जय साथियों आप सब जान चुके होंगे और भी आप सब जान चुके हैं, जय पुणे यारो की भी लिस्ट आ चुकी है, जिनमें करीबन यानी कि 16-17 बंदे का सिलेक्शन हुआ, 20 से कम ही हुआ है। लेकिन अब बोलोगे सर जी 20 से कम क्यों दूसरी लिस्ट आ रही है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। साथियों जितने भी बंदे पैरा कमांडो के लिए जा रहे हैं, एक्सीलेंट वाले जितने भी बंदे जा रहे हैं, मेरे भाई अगर आपके एआरओ से 70 बंदे गए तो 70 वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर आपके एआरओ से 40 बंदे गए तो 40 वेटिंग लिस्ट आएगी। साथियों हिम्मत नहीं हारना है आपको, इस बार फौजी बनना है, ठीक है, टेंशन मत लो यार। चढ़ेगी वर्दी, लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी भावी फौजियों आप सबका नजारा। जैसे आप सब देख सकते हो, हमारे थंबनेल में भी देख सकते हो, ये पूरा साइड भी खोल के रखा हूं, लेकिन आपको इस साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। अब साथियों हम बात करेंगे जितने भी सेकंड फेज के रिजल्ट आए थे, जितने भी यारो थे, कटिहार हुआ, दानापुर हुआ, झुंझुनू यारो, और यानी कि यूपी में जैसे अमेठी, ओ सॉरी क्या कहता अभी अमेठी यारो का रिजल्ट नहीं है, आगरा यारो हुआ, साथियों लखनऊ यारो हुआ, और भी मऊ यारो हुआ, तमाम पुणे यारो का तो आ ही गया है साथियों, वेस्ट बंगाल, कोई भी यारो हो, जितने भी सेकंड रिजल्ट आए हैं साथियों सबकी वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट साथियों जितने भी बंदे आपके अग्निवीर से साथियों जिसे पैरासप में गए तो उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन साथियों ये भी है जैसे जो भी बंदा टीडीएन, अब बताओगे सर जी क्या टीडीएन की वेटिंग लिस्ट आएगी, हाँ आती है, लेकिन आपको टीडीएन के जो बंदे रहेंगे उनको अगर टीडीएन ज्वाइन नहीं करेंगे, वो इस नौकरी को छोड़ेंगे, अग्निवीर में नहीं जाना चाहेंगे, उनके दर पे उनके स्थान पे साथियों जितने भी रहेंगे, एक रहेंगे, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, तो उनके स्थान पे वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है साथियों। ये आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, अगर टेक्निकल में होगा तो टेक्निकल में, लेकिन साथियों ऐसा संभावना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना, सबसे ज्यादा चांस किसमें रहता है भाई, सबसे ज्यादा चांस जीडी में रहता है। किसमें रहता है? जीडी में रहता है। जीडी साथियों इसमें क्या है, पैरा कमांडो के लिए जीडी से ही जाते हैं। अगर जिस बंदों का अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाता वो भी अग्निवीर ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते और भी दूसरी सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन उनके स्थान पे फिर भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, उस पे आता है साथियों। अब बताओगे सर जी कब आएगा, कब आएगा साथियों, जैसे हमने बता दिया है, जैसे साथियों हम फिर से बता दे रहा हूं, जैसे वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है मेरे भाई, हम आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, क्या है वेटिंग लिस्ट के मतलब में। जैसे साथियों हमने देखता हूं कम से कम 3 या 4 बैच में साथियों डिस्पैच करते हैं, 3 से 4 शिफ्ट में डिस्पैच करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं। जैसे फर्स्ट बैच साथियों क्या किए, डिस्पैच कर दिए, जब दूसरे बैच की बारी आएगा, दूसरा बैच डिस्पैच करने के लिए ट्रेनिंग पे भेजने के लिए टाइम आएगा साथियों, फिर इसी के दरमियान इनको भेजने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट करके एआरओ बुला लेंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले बंदे रहेंगे, जब उनको तीसरा बैच जब भेजेंगे उन्हीं के साथ साथियों आप सबको भेज देंगे, नहीं चौथे बैच में भेजेंगे, ऐसे करके भेजेंगे, ठीक है। अब आप सबसे ज्यादा कमेंट करोगे हमारे प्यारे भाई वाराणसी एआरओ के और अमेठी एआरओ के, जो भी भाई अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, क्लियर हो चुका है साथियों, 18 से लेके 22, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बंदे कमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, सर जी अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, ये तो है नहीं कि आपकी ट्रेनिंग काट ली जाएगी, ठीक है, आपको भी पूरी ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्त, ये पूरा हो चुका है एकदम क्लियर, सबकी वेटिंग लिस्ट आएगी, टेंशन मत लो, एआरओ से ही पता चलेगा। अभी भी दोस्त आप सब ऑनलाइन नहीं करें, ऑनलाइन करा लें, कोई भी अपडेट रहेगा आपका अपना चैनल सबसे पहले देगा, अगर अभी भी चैनल को साथ में सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट रहेगा आप सबको मिलता रहेगा। आप जान लीजिए हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है साथियों, जिसे आप जानते हो कि 2 बजे की हमारी क्लास की टाइमिंग है, क्या साथियों 2 बजे की, 1-2 बजे 2 PM पे है, 2 PM पे साथियों हमारी क्लास की टाइमिंग है, उसके बाद 6 PM पे क्या है साथियों 6 PM पे मैथ की टॉपिक वाइज चलती है क्लास, 7 PM पे साथियों महामुकाबला का प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, महामुकाबला का प्रैक्टिस सेट चलता है, ये 3 क्लासें चलती हैं, इसको लेना ना भूलें, अगर ये 3 क्लासें अच्छे से लोगे कोई भी पेपर रहेगा अग्निवीर का साथियों धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है दोस्त। दी गई जानकारी अच्छी लगे
तो आप लाइक एवं शेयर करके जरूर बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि जानकारी कैसे लगी। कोई भी अपडेट रहेगा आप तो जानते हो, हर एक मुद्दे पे खड़ा रहता हूं, आप सबके लिए आया हूं। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।